प्लीज टाइप करो ना, जस्ट टाइप. व्हाट इज दिस बोन? दिस इज स्टर्नम. ओके चलो हम ही टाइप कर देते हैं. ये स्टर्नम होती है, इसे चेस्ट बोन कहते हैं और ब्रेस्ट बोन कहते हैं. ओके दिस इज स्टर्नम. इट इज नोन एज द चेस्ट बोन और द ब्रेस्ट बोन. जस्ट टेल मी आर यू दिस बोन इज विजुअल टू यू और नॉट? ये बोन नजर आ रही है आप सबको? नजर आप मैं आपको देखू? यस थैंक यू, थैंक यू सो मच. सो अब इसका ये ऊपर का पार्ट है, दिस इज मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, दिस इज बॉडी ऑफ द स्टर्नम और ये नीचे कट गया है, यहां होता है जीफिड स्टर्नम. ओके सो ये जो है दैट इज मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, ये वाला, दिस इज मेन्यूब्रियम. उसके बाद दिस थिंग, दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम और नीचे होता है जीफिड स्टर्नम. अब हम पुराने उस पे आ गए कि ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क जो हमारा जहां से कहानी शुरू हुई थी वहां हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं. एनाटॉमिकल लैंडमार्क, एनाटॉमिकल लैंडमार्क के बारे में हमने बताया था कि एनाटॉमिकल लैंडमार्क से दीज आर द माइलस्टोन्स यू हैज पॉइंटेड आउट. माइलस्टोन्स से हमें पता चलता है कि मतलब कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, वी हैव वी कैन लोकेट इजीली. सो अब दिस इज मेन्यूब्रियम स्टर्नाई एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम. दिस जंक्शन इज नोन एज द एंगल ऑफ लुई और स्टर्नल एंगल एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क. दिस इज स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुई, द जंक्शन बिटवीन द मेन्यूब्रियम स्टर्नाई एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम. अब ये आप लिख लीजिए, ये एंगल ऑफ लुई और स्टर्नल एंगल, इट इज ऑफन आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट. ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है, ये आपके मेडिसिन में भी काम आएगा, ये आपकी सर्जरी में भी काम आएगा, ये आपके पीजी एंट्रेंस में भी काम आएगा. सो जस्ट राइट डाउन स्टर्नल एंगल, अंडरलाइन इट और आज इसको पढ़ लेना. ओके स्टर्नल एंगल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क. अच्छा अब ये क्यों है एनाटॉमिकल लैंडमार्क? अच्छा अब ये बोन है, दिस इज द कॉलर बोन, इट इज द क्लाविकल. ये क्लाविकल है, कॉलर बोन. ओके अब क्लाविकल कॉलर बोन जो होती है स्टर्नम में इस तरह से आर्टिकुलेट करती है, राइट? ऐसे सबको नजर आ रहा है, दिस इज स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट. गॉट द पॉइंट? ठीक है. अच्छा अब ये आई फर्स्ट रिब. व्हाट इज दिस फर्स्ट रिब? यहाँ पे फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज होगी. ओके स्टर्नम से रिब्स डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती है, कोस्टल कार्टिलेज से रिब होती है. तो ये फर्स्ट रिब इस तरह जाती है. अब देखो जस्ट सी फर्स्ट रिब, दिस इज पीछे से ऐसे होता है, दिस इज फर्स्ट रिब. फर्स्ट रिब लाइज बिहाइंड द क्लेविकल. तो अपनी बॉडी में हम क्लेविकल को पाल्पेट कर सकते हैं. जस्ट देखो चिन से नीचे जाओ, टच करो ने को, तो यहाँ पे तुम्हें ये नॉच नजर आएगी, ये है जुगुलर नॉच. दिस इज नोन एज द जुगुलर नॉच. ये वाली जो नॉच होती है जुगुलर नेक के लिए यूज होता है, दैट इज द जुगुलर नॉच. निच नहीं, नॉच, सॉरी 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 सॉरी, इट इज नॉच, दैट इज द जुगुलर नॉच. गॉट द पॉइंट? ये जुगुलर नॉच है, यहां पे क्लेविकल आती है इस तरह से, ये क्लेविकल आती है, राइट? हियर इज द क्लेविकल. ओके अब फर्स्ट रिब जो आती है इट लाइज बिहाइंड द क्लेविकल. देखो आपको नजर भी नहीं आ रही है फर्स्ट रिब. अब अगर कोई आपको चेस्ट पेन बता रहा है, क्या बता रहा है, तो किस लेवल पे है, तो यूजुअली हम ऐसे काउंट करते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. अब फर्स्ट रिब हम हाथ से पालपेट बॉडी में नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू पालपेट द फर्स्ट रिब इन द बॉडी. ओके ये कहां गया हेडफोन, कहां गया पता नहीं, हमने कहा रखा.
system has happened. Sorry. We are not able to palpate the first rib. Okay. अब जब first rib हम palpate नहीं कर पा रहे हैं तो हम rib counting कैसे करेंगे? Rib counting हम ऐसे करते हैं कि देखो जो second rib होती है, posterior cartilage, it articulates with this thing, external angle. So external angle की importance ये है कि second rib और second costal cartilage articulates from here. तो body में जुगुलर नॉच होगी. जुगुलर नॉच के नीचे अगर आप फील करोगे अपनी बॉडी में, यू विल फील दिस एलिवेशन. ये बहुत प्रोमिनेंस होता है स्टर्नल एंगल, जो कि ऊपर से सुपरफिशियली आप बॉडी में फील कर सकते हो. और यहाँ से हमारी निकलती है जो रिब, वो होती है सेकेंड रिब. अब सेकेंड रिब यहाँ से आप काउंट कर ली, उसके नीचे हमने थर्ड रिब काउंट कर ली, उसके नीचे हमने फोर्थ रिब काउंट कर ली, देन वी विल काउंट फिफ्थ रिब, सिक्स्थ एंड सो ऑन. So sternal angle, it is very important because first rib lies behind the clavicle, so we cannot feel or palpate the first rib, but we can feel the sternal angle very good because it is very prominent anatomical landmark which can be felt superficially in the body. So by sternal angle we can go laterally and we can feel the second rib. Second rib ke baad uske niche jo rib aayi wo third rib aayi, uske niche jo rib aayi wo fourth rib aayi. So स्टर्नल एंगल, इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है फॉर रिब काउंटिंग. अब आप लोग कहेंगे इन्हें हो क्या गया, हम क्यों रिब काउंट करें? बेटा रिब काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन के लिए आया है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आया है, कोई मर्मर आप देख रहे हैं, हार्ट साउंड देख रहे हो, तो आपको ये बताना होगा कि इट इज लोकेटेड वेयर. एंड टू लोकेट द साइट ऑफ द हार्ट साउंड, वो हम इसी तरह बताते हैं, इट लाइज इन दैट इंटरकोस्टल स्पेस. इंटरकोस्टल स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द टू रिब्स. तो वो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, वो आपको तभी पता होगा इफ यू नो विच रिब इज दिस. एंड यू कैन काउंट द रिब विद द हेल्प ऑफ द स्टर्नल एंगल. सो स्टर्नल एंगल इज अ प्रोमिनेंस विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम. एंड एट द स्टर्नल एंगल क्या आर्टिकुलेट करता है? स्टर्नल एंगल पे आर्टिकुलेट करती है second rib, the second costal cartilage in second rib, and it is helpful in rib counting. अब जो हमने बताया, जरा आप अपनी बुक में देखिए, जब तक हम नेट पे आप लोगों के लिए ये चीज तलाश कर रहे हैं. ओके, शेयर करते हैं हम आपसे, शेयर स्क्रीन हम आपसे कर रहे हैं. ओके ओके, सो आई एम टाइपिंग स्टर्नल एंगल. अच्छी सी पिक्चर दिखी तो हम आपको दिखा देंगे, इसे एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं. ओके, इमेजेस दिखा, देखो 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 देखो, ये अब आप ये देख लीजिए, ये है स्टर्नल एंगल. दिस इज मेनुब्रियम स्टर्नाई, दिस इज बॉडी ऑफ द स्टर्नम, एंड दिस इज द स्टर्नल एंगल. अब यहाँ पे ये इसके बारे में लिखा है, इट इज द लोकेशन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द सेकेंड रिब. ये वाला मत पढ़ना अभी, और कुछ मत पढ़ना, बस ये देख लो, इट इज द लोकेशन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ सेकेंड रिब. ओके, और ये लिख लो, इट इज एज द एंगल ऑफ लुई नेम्ड आफ्टर द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टर्नल एंगल. दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टर्नल एंगल इज दैट ऑफ एन एनाटॉमिकल व्हिच फॉर्म्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन एनाटॉमी. सब कुछ बस, इट इज हेल्पफुल इन द काउंटिंग ऑफ द रिब्स. ओके, 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 जस्ट सी दिस डायग्राम. अब यहां पे देखो, दिस इज क्लेविकल. ओके, फर्स्ट, ये जो है फर्स्ट स्ट्रिप, वो तो हिडन होती है क्लेविकल से. ओके, यहाँ पे ये हम बॉडी से फील नहीं कर पाते, वी कैन फील ओनली द क्लेविकल. नाउ दिस इज द सेकंड स्ट्रिप. ओके,
This is the second rib and this is the sternal angle which we can feel. Okay, sternal angle, this is a very important anatomy. Koi screenshot mat lo, everything is written in your book. This is the sternal angle, which is a very, very important anatomical landmark. Okay, this is the sternal angle. This is the sternal angle, which is a very, very important anatomical landmark. Okay, ये होता है sternal angle. अब यहाँ से हम ribs कैसे count करते हैं, हमने superficially देख ली second rib, third rib, fourth rib, fifth rib. Okay. ओके स्टार्ट एक्सक्यूज मी मैम. हाँ यस 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 यू कैन आस्क. वीडियो मैम ये जनरल एनाटॉमी का पार्ट है या फिर ग्रॉस एनाटॉमी का? ग्रॉस एनाटॉमी एंड रीजनल एनाटॉमी का पार्ट है. जब तक आपकी ये समझ में नहीं आएगा, आपको पेक्टोरल रीजन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें पेक्टोरल रीजन पढ़ाना है और ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाना है. तो इस क्लास में सिर्फ जो आपको आगे पढ़ाना है उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है. ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी, इट इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ द रीजनल एनाटॉमी. ओके ओके अब आपने पेक्टोरल रीजन निकाल लिया. ठीक है, पेक्टोरल रीजन निकाल लो, निकाल लिया. अब एनाटॉमी में हम कुछ भी पढ़ते हैं, वी स्टडी इट अंडर द फॉलोइंग हेड्स. वो हेड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, एंड देन वी विल स्टडी मसल्स, एंड देन वी विल स्टडी नर्व्स एंड वेसल्स. ओके, सो पेक्टोरल रीजन में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्रेस्ट टिश्यू. अच्छा, आपको सैटरडे की क्लास आप लोगों ने नहीं करी थी, याद है आपको? आप लोगों ने नहीं की थी सैटरडे की क्लास. ओके, देखिए कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 18 पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके, सैटरडे की क्लास आप लोगों ने नहीं की थी. जो ब्रेस्ट का पार्ट है वो मैं आपको 3 to 4 आपकी क्लास होगी उसमें इस चीज को मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगी. आई टू टीच यू इन 3 to 4 ऑल्सो. ओके, अच्छा, अब सैटरडे को आपको हमें एक टॉपिक पढ़ाना था, दैट वॉज क्लॉ हैंड. ओके, क्लॉ हैंड. अच्छा, व्हाट्सएप पे तुम लोगों को थोड़ा सा हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाया था. डू यू हैव अ सर्टेन आइडिया अबाउट इट? या सब भूल गए? भूल गए हो? यस, या आई कुछ याद है ये बताओ. याद है? ओके, ठीक है. सो ब्रेकियल प्लेक्सस में अब आज हमें पढ़ाना है क्लॉ हैंड. ओके, क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरीज टू द ब्रेकियल प्लेक्सस. सो अब ब्रेकियल प्लेक्सस, बाकी तो अब आगे आपकी ग्रॉस के लेक्चर्स होंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बीडीसी में ब्रेकियल प्लेक्सस के बाद में जो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज लिखी हुई है वो टॉपिक निकाल लीजिए. ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज जो लिखी हुई है, अर्ब्स पैरालिसिस लिखा होगा, क्लमकेस पैरालिसिस लिखा होगा, नजर आ रहा है नहीं आ रहा आपको? हैव यू गॉट इट इन द बीडीसी और नॉट? प्लीज टेल मी, बीडीसी में मिल गया नहीं मिल गया? ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज में क्लमकेस पैरालिसिस, अर्ब्स पैरालिसिस, ये सब मिला नहीं मिला? यस और नो, प्लीज टेल मी, लिख के बता दो. ओके, सो क्लम्प के, अच्छा, तो एक होती है इंजरी टू द अपर ट्रंक, एक होती है इंजरी टू द लोअर ट्रंक. ओके, अब अपर ट्रंक
अपर ट्रंक से टू डिविजन निकलती हैं, एंटीरियर डिविजन एंड पोस्टीरियर डिविजन. ओके अच्छा अब ओके लैटरल कॉर्ड आप लोगों को बताई थी और मीडियल कॉर्ड आप लोगों को बताई थी. किसी को याद है लैटरल कॉर्ड कैसे फॉर्म होती है? यानी रिमेंबर लैटरल कॉर्ड कैसे फॉर्म होती है? लैटरल कॉर्ड इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एंटीरियर डिविजन ऑफ अपर एंड मैंडिबुलर. ये बात याद है नहीं याद आता? मैं तभी लिख रही हूँ इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ. सॉरी मैम आई कुडंट फाइंड माय ब्राइटल क्लासेस. यार यू कैन नॉट फाइंड. अच्छा एक्सिला चैप्टर चल रहा है. एक्सिला चैप्टर में ब्रेकियल टेंसेस दिखाता है. ओके एक्सिला चैप्टर चल रहा है. सो ब्रेकियल टेंसेस से मैं पहले था ब्रेकियल टेंसेस के बाद ब्रेकियल टेंसेस या सर ने आपने सैटरडे का दिखा रहा था. ये सैटरडे में सब बाय बाय थे. मैं सैटरडे का टॉपिक जल्दी जल्दी आज और 3 से 4 में कवर कर दूंगी. मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं है. ओके टीचर से कल से आपका वो ब्रेस्ट वाला सेंसेशन शामिल है. ओके ये तो सैटरडे को जो आपका नहीं आया था वो ड्रॉप ऑफ है. लैटरल कॉर्ड इज फॉर्मड बाय द यूनियन ऑफ अपर एंड मिडिल स्ट्रैटा. ये चीज याद है कि याद याद है लोगों को याद है नहीं याद है? यस 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 यस. मीडियल कॉर्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटीरियर डिविजन ऑफ लोअर कॉर्ड. मीडियल कॉर्ड इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एंटीरियर डिविजन ऑफ लोअर कॉर्ड. याद है सबको? ओके पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बनती थी? पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर्मड बाय द यूनियन ऑफ पोस्टीरियर डिविजन्स ऑफ ऑल द थ्री ट्रंक्स. हाँ ये 3 पॉइंट सबको क्लियर हो गए? ये 3 पॉइंट सबको क्लियर हो गए? ओके अच्छा अब आप अपनी बुक में देखिए क्लम्पकियस पैरालिसिस का. क्लम्पकियस पैरालिसिस इज इंजरी टू द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. इसको ना जो चैट है आप मेरा ब्लैक बोर्ड समझ लो, है ना? बस ब्लैक बोर्ड विदाउट डायग्राम और जो डायग्राम है वो आपके बीडीसी में बना हुआ है. सो इट इज द इंजरी टू द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. अच्छा अब लोअर ट्रंक से क्या क्या होता है? अब अगर लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी हुई तो लैटरल कॉर्ड पे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि लैटरल कॉर्ड इज फॉर्मड बाय द यूनियन ऑफ एंटीरियर डिविजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक्स. तो लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में अगर चोट लगी किसी को किसी भी तरह से लगी तो लैटरल कॉर्ड तो बिल्कुल पतली गली से निकल जाएगा. ये पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया? देयर इज इंजरी टू द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस सही. एंड लैटरल कॉर्ड इज फॉर्मड बाय द यूनियन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक. तो लोअर ट्रंक का तो लैटरल कॉर्ड में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो लैटरल कॉर्ड और उसकी ब्रांचेस वो तो बिल्कुल बच के निकल गई. इतना समझ में आ गया? जस्ट टेल मी, राइट करो, लिखो, किसी तरह मुझे बताओ कि तुम लोगों की बात समझ में आ गई. ओके यस मैम.
तो लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में अगर इंजरी होगी तो लेटरल कॉर्ड में कुछ नहीं होगा। अब यहां पे देखो पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड में बेटा तीनों ट्रंक से आ रहा है, अपर ट्रंक की भी पोस्टीरियर डिवीजन आ रही है, मिडिल ट्रंक की भी पोस्टीरियर डिवीजन आ रही है, लोअर ट्रंक की भी पोस्टीरियर डिवीजन आ रही है। इंजरी सिर्फ हमारी लोअर ट्रंक पे हुई है, ओके, अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक पे कुछ नहीं हुआ है, तो वहां भी इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा बिकॉज द फाइबर्स फ्रॉम द अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक की वजह से वहां पे स्पेयर हो जाएगा। बट मीडियल कॉर्ड इज फॉर्म्ड सोली बाय द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, तो सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट होगी, मीडियल कॉर्ड। तो क्लमकेस पैरालिसिस में ज्यादा इफेक्ट होगी मीडियल कॉर्ड्स आर ब्रांचेस। अब मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस का क्या फॉर्मूला आपको बताया था, 4MU, याद है नहीं याद है? मीडियल पेक्टोरल, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन एंड अल्नर नर्व। लिखो 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 लिखो, फोर एम यू। जब तक मैं लिख रही हूं तुम अपनी किताब से याद करो मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस, मीडियल पेक्टोरल नर्व और कौन सी थी, मीडियल रूट ऑफ मीडियन, ओके, और अगली कौन सी थी, मीडियल, बेटा 9 बज गए हो तो बता देना वरना तुम लोग कहोगे तो पका रही हूं। नेक्स्ट थी मीडियल राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गई दैट इज द अल्नर नर्व एंड मोस्ट जब तक हम ये लिख रहे हैं ना तब तक आप अपनी बुक में बैठ के ये पार्ट याद कर लिया करो, ओके, बिकॉज अब तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, आप लोगों को वो थोड़ी दी जाएगी, स्पून फीडिंग थोड़ी की जाएगी, आप लोग, अल्नर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है तो एक एल होता है, ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्नर। अब ये जो आपको गाथा सुनाई जा रही है इस वक्त आप सिर्फ एक चीज देखिए, मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा। अब मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, नर्व्स कितनी तरह की होती है, मिक्स्ड होती है, सेंसरी होती है, मोटर होती है, राइट। सेंसरी नर्व जाएगी, सेंसेशन जाएगा, मोटर नर्व जाएगी, मसल्स का मूवमेंट जाएगा, राइट, मोटर नर्व जाएगी, मसल्स का मूवमेंट जाएगा, सेंसरी नर्व जाएगी, सेंसेशंस आर लॉट, मोटर नर्व इज अफेक्टेड देन द एक्शंस आर कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड इफ मिक्स्ड नर्व इज अफेक्टेड देन बोथ ऑफ थिंग्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। नाउ मीडियल पेक्टोरल नर्व जो होती है, इट इज एज द नेम सजेस्ट, पेक्टोरल नर्व, ओके, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व इट सप्लाइज द मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, दीज आर द नर्व्स विच सप्लाई द स्किन अराउंड द आर्म एंड फोर आर्म। तो यहाँ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और फोर आर्म में थोड़ा इफेक्ट आएगा, बट पेक्टोरल रीजन की मसल्स जो है, जो कि मीडियल पेक्टोरल नर्व से सप्लाई होती है, वो इतना इफेक्ट नहीं होंगी। क्यों? बिकॉज लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच होती थी, दैट वॉज द लेटरल पेक्टोरल नर्व, याद है? लेटरल कॉर्ड हैज अ ब्रांच विच इज नोन एज द लेटरल पेक्टोरल नर्व। ओके, सो मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन आर सप्लाइड बाई मीडियल पेक्टोरल एज वेल एज द लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड सम अदर नर्व्स, तो उनमें इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर मीडियल पेक्टोरल इज इफेक्टेड देयर इज लेटरल पेक्टोरल विच इज सप्लाइंग दोज मसल्स, ओके। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो अल्नर नर्व का होगा। सो इंजरी टू द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इफेक्ट मोस्टली द रीजन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्नर नर्व, ओके। सो इंजरी टू द
लोअर ट्रंक the skin and muscles supplied by ulnar nerve. अब आप बीडीसी अगेन अपनी खोलिए. अब आप अपनी बीडीसी अगर खोलेंगे तो उसमें जहां क्लमकेस पैरालिसिस लिखी है वहां एक लाइन लिखी होगी, अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड हैंड और रिस्ट एंड फिंगर्स आर अफेक्टेड. लिखी है नहीं लिखी है ये लाइन? बीडीसी में क्लमकेस पैरालिसिस पढ़ो, वहां एक लाइन लिखी होगी अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स आर अफेक्टेड. ओके चलो. अब अल्नर नर्व मोस्टली हैंड की मसल्स को सप्लाई करती है. किसे सप्लाई करती है? हैंड की मसल्स को. तो ये जो थंब के मूवमेंट्स होते हैं इनकी मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता है किससे? मीडियल नर्व से. अल्नर नर्व जो है इधर की मसल्स को सप्लाई करती है, लिटिल फिंगर के पास की मसल्स को सप्लाई करती है, इस रीजन की जो मसल्स को सप्लाई करती है. अब दिस इज माय हैंड, दिस इज द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड, दिस इज द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड और डॉर्सल ऑफ द हैंड. फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ हैंड, ये जो ये थप्पड़ वाला पार्ट होता है, इट इज नोन एज द पामर एस्पेक्ट, पाम ऑफ द हैंड. सबको पता है दिस इज नोन एज द पाम. और द पॉइंट, ये सबको पता है पाम, भैया बता दो ना. यस यस, दिस इज नोन एज द पाम ऑफ द हैंड. अच्छा, अब अल्नर नर्व, अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स. अच्छा, अब एक होता है मूवमेंट फ्लेक्शन, एक होता है एक्सटेंशन. दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन. This is flexion and this is extension. अब यहाँ पे we will continue the class in 3 to 4. जैसे ही 8:45 हो तो इस चीज़ में आपने give you 15 minutes and 4 तक class. तुम लोग लोग चीज़ 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 शाश कर रहे हो. क्या शाश कर रहे हो? कुछ भी कर रहे हो. After 10 minutes, okay? So this is flexion and this is extension. अब this is the flexion of the wrist. अच्छा. अब यहाँ पे ये होती है कार्पल बोन्स. कौन सी कार्पल बोन्स होती है? स्केफॉइड ल्यूनेट, स्केफॉइड ल्यूनेट, ट्रैपेजियम, ट्रैपेसिफॉन, ट्रैपेजियम, ट्रैपेजॉइड, कैपिटेट, हैमर. यहाँ होती है मेटाकार्पल्स. ये होती है फेलेंजेस, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, डिस्टल फेलिंग्स एंड एक पेन होगा सर, एक पेन होगा. ओके आप लोगों को हमारा हाथ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? जस्ट टेल मी, नजर आ रहा है हाथ हमारा? अब देखो अपने हाथ पे कुछ डायग्राम बना रहे. नहीं चल. ओके पेन तो चल नहीं रही, हम बाद में तुम्हें नेक्स्ट 3 से 4 में दिखा देंगे. यहाँ पे होती है मेटाकार्पल्स, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल. ओके, यहाँ होती है फेलेंजेस, प्रॉक्सिमल फेलेंज, डिस्टल फेलेंज, प्रॉक्सिमल पास जो कि पास होगा, डिस्टल दूर, प्रॉक्सिमल फेलेंज, मिडिल फेलेंज, डिस्टल फेलेंज, प्रॉक्सिमल फेलेंज, मिडिल फेलेंज, डिस्टल फेलेंज, प्रॉक्सिमल फेलेंज, मिडिल फेलेंज, डिस्टल फेलेंज, प्रॉक्सिमल फेलेंज, मिडिल फेलेंज, डिस्टल फेलेंज. सो दिस इज रिस्ट जॉइंट. यहाँ मेटाकार्पल्स है, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. दिस इज द जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंज. सो दिस इज द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट. देखो ये होता है, दिस इज द फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन. समझ में आ रहा है? दिस इज मेटाकार्पल, दिस इज फेलेंज. This is the flexion at metacarpophalangeal joints. These are the interphalangeal joint. एक interphalangeal joint ये है, एक interphalangeal joint ये है. Proximal interphalangeal joint, distal interphalangeal joint. Proximal phalanx, middle phalanx, distal phalanx. Proximal interphalangeal joint, distal interphalangeal joint. अब इस वक्त मैंने आप लोगों को कितने joints बताए? Wrist joint, metacarpophalangeal joint. किसी को बुला रहे हैं, आ जाओ भाई, आओ आओ जल्दी आओ. ये क्या, कौन सा मूव कर रहा है? मेटाकार्पोफेलेंजियल. ये हाय कर रहे हैं,
ये एबडक्शन एडक्शन किस पे हो रहा है? रिस्ट जॉइंट पे। ये बुला रहे हैं जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, अब तो मैं क्लास में तो बुला नहीं सकते, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। सो दिस इज मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट। अब जैसे किसी को यूं करके नोचना है, यूं ऐसे मारना है, तो ये होते हैं इंटरफेरिंजियल जॉइंट्स। समझ में आ रहा है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ इंटरफेरिंजियल जॉइंट। दिस इज प्रॉक्सिमल इंटरफेरिंजियल जॉइंट, दिस इज डिस्टल इंटरफेरिंजियल जॉइंट। प्रॉक्सिमल इंटरफेरिंजियल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरिंजियल जॉइंट। ये जॉइंट समझ में आ गए तुम लोगों की? नहीं आया अभी? साइड समझ में आ गई? रिस्ट जॉइंट, दिस इज मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरिंजियल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफेरिंजियल जॉइंट। ना ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ना, ये वर्ड्स तुम लोग अपने बीडीसी में लिखते रहो, ताकि जब ये टॉपिक्स तुम पढ़ो तो तुम्हारी ये चीजें समझ में आ जाए। ओके, सो जस्ट राइट डाउन व्हाट आई हैव, आई एम टेलिंग यू। रिस्ट, मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट, स्पेलिंग पे कुछ हमारी कोई स्पेलिंग नोट नहीं करेगा, और ये सारी चैट डिलीट करोगे तुम लोग। एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कहानी ये है, अल्नर फ्लेक्सस की लोअर ट्रंक में पैरालिसिस हो गई, ठीक है? सो अल्नर फ्लेक्सस ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स आर लॉस्ट। तो इधर का जो फ्लेक्शन जिस भी मसल से होता है, मसल्स फ्लेक्सर कापा अल्नरिस ऑफ, उसका नाम छोड़ो, तो ये वाला फ्लेक्शन थोड़ा लॉस्ट होगा, इधर से हो जाएगा इधर लॉस होगा, तो ये जो है ये ऐसे हो गया, ये एक्सटेंड हो गया, ठीक। अच्छा, अब अल्नर नर्व ऑफ हैंड एंड फिंगर्स ये फ्लेक्शन कॉज करती है, इधर के जो मसल्स का फ्लेक्शन है ये वाला, ये तो थोड़ा बहुत मीडियन नर्व अल्नर नर्व दोनों से होता है, बट इन दोनों का सोलली अल्नर नर्व से होता है, राइट? तो ये फ्लेक्शन ये लॉस हो गया, तो ये फिंगर्स ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि फ्लेक्शन जब ये मूवमेंट नहीं हो पा रहा तो वो ऐसे हो जाएंगे, ये मूवमेंट नहीं हो पा रहा तो ये ऐसे हो गए, ऐसे। अच्छा, अब ये वाला फ्लेक्शन होगा ये वाला ऐसे, ऊपर वाला नहीं होगा, तो हाथ की शक्ल कुछ ऐसे हो गई। अब इन दो फिंगर्स को देखो, ये क्लॉ की तरह नहीं है, तुम्हें नोच नहीं है, नजर आ रहा है ये क्लॉ जैसा लग रहा है नहीं लग रहा मेरा हाथ? जस्ट टेल मी, लग रहा है नहीं लग रहा? सो लोअर ट्रंक की जब पैरालिसिस होती है, देन अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स और रिस्ट एंड हैंड दे आर इफेक्टेड, एंड इट लीड्स टू पार्शियल क्लॉ हैंड। जैसे ये हो गया पार्शियल क्लॉ, वॉट इज दिस पार्शल क्लॉइंट? पार्शल ये कि इधर की बच जाती है, बिकॉज मीडियन नर्व इज नॉट इन्वॉल्व। अगर बफर्ज़े महाल मीडियन नर्व भी चली गई, देन वी हैव गॉट द कंप्लीट क्लॉ हैंड। वॉट इज इट नोन एज? कंप्लीट क्लॉ हैंड। तो लोअर ट्रंक ऑफ लोअर ट्रंक इंजुरी partial claw hand due to ulnar nerve involvement. But if both ulnar and median nerves are involved, condition is complete flaw. Okay, I think it is enough for today. अब अगली क्लास के लिए आप लोगों को 10-20 मिनट का ब्रेक चाहिए, एंड इफ यू वांट मी टू एंड दिस क्लास आई विल एंड, लेकिन अगर आप लोगों को 20 मिनट पढ़ने का और शौक है देन आई विल टीच, बिकॉज देयर आर ओनली 21 पार्टिसिपेंट्स। होपफुली जब ट्यूसडे कल हमारी प्रॉपर क्लास, व्हेन माय व्हेन ओके
विराट कोहली थम्स डाउन करा रहे हैं, यानी कि उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ओके सॉरी, आपको समझ में नहीं आया, अगली बार हम पीपीटी, ये जो मैंने पढ़ाया है इसका पीपीटी हम शाम में दिखाएंगे, होपफुली तब आपकी सब समझ में आ जाएगा। ओके मैम, हाँ मैम एक्सक्यूज मी मैम, यस क्लास लेट ज्वाइन करी थी, आप शाम में रिपीट करेंगी क्लास? बेटा, ये जो क्लास देखो सिर्फ 21 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिससे ये क्लास सिर्फ इसलिए कि आपको एनाटॉमी सही से समझ में आ जाए। जैसे जब मैं आपको व्हाट्सएप पे बताती थी तो उसकी वजह से अब ये चीज कुछ अच्छे से समझ में आई होगी, आ रही है ना अच्छे से समझ में? अगर व्हाट्सएप पे Yes, वो ना ma'am. होता तो ये, हाँ तो उसमें देर वर्स का कुछ नहीं है, कल से हमारी बिल्कुल प्रॉपर शुरू हो रही है। हाँ एक आप हमें बता दीजिए, हम जिस तरह ये पढ़ा रहे हैं हम कुछ डायग्राम्स दिखा के आपको पढ़ा दें, ये आपको बेटर है, अदरवाइज आपको पीपीटी से पढ़ना है, क्योंकि पीपीटी है हमारे हर पास हर चीज के। नहीं मैम, पीपीटी से बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, ऐसे ठीक है, मतलब हम लोग नहीं बुक से देखो, भी पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी हाँ लिख देखो सकते हैं ऐसे. नहीं, मेनली तो बेटा आप लोग बुक से ही पढ़ोगे, क्योंकि पीपीटी का पढ़ा आपके एग्जाम टाइम के लिए काम उतना नहीं आएगा, है ना? वो तो समझने के लिए, तो इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ कि अब टाइम कम है, आप लोग बुक से ही सब चीजें याद कर लो। ओके एक्सक्यूज मी मैम, डायग्राम तो बेटा मैं दिखाऊंगी मैम क्लास में, पूरी डायग्राम आई विल शो इन द क्लास, डायग्राम I will show in the class. In the class, diagram I will show in the class. Okay? अभी अगर आपके पास 5 मिनट, यू कैन स्पेयर, आई कैन शो, मैं आप लोगों को ये मीडियन ना, ये जो क्लॉ हैंड वगैरह, ये मैं आपको डायग्राम से अभी भी बता सकती हूँ। यू वॉन्ट टू सी द डायग्राम और यू वॉन्ट टू गो? अरे ये थम्स अप से मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग जाने की खुशी है या डायग्राम देखना चाह रहे हैं? डायग्राम डायग्राम ओके, आई विल शो यू द डायग्राम। ये डायग्राम नजर आ रहा है सबको? ऑल ऑफ यू कैन विजुअलाइज दिस डायग्राम और नॉट? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम, अब देखो, जस्ट सी, अब ये डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश मत करना, तुम्हारे बीडीसी में बना हुआ है ये डायग्राम। दिस इज C5, 6, 7, 8 एंड T1, दीज आर द रूट्स एंड दिस इज द अपर ट्रंक, दिस इज द मिडिल ट्रंक एंड दिस इज द लोअर ट्रंक। ओके, and these are the two divisions with yellow color, they have shown the divisions, anterior division of upper trunk, anterior division of middle trunk, anterior division of lower trunk, aur ye green ya jo bhi color hai, with this they have shown the posterior division, posterior division of upper trunk, posterior division of middle trunk and posterior division of the lower trunk. Anterior divisions of upper and middle trunk, they are uniting to form the lateral cord. Anterior division, this yellow color of the lower trunk is continuing as the medial cord, and posterior division of all the three are uniting to form the posterior cord. इतना सबकी समझ में आ गया? मुझे नजर नहीं आ रहा है, तुम्हारा थम्स अप यस बोल दो। ओके नाउ, अब ये हाँ लेटरल कॉर्ड देखो इन दोनों से बनती है। अब ये जो लोअर ट्रंक है इसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन लेटरल कॉर्ड में नहीं जा रहा, सो जब लोअर ट्रंक पे इंजरी होगी तो लेटरल कॉर्ड तो आपकी बच गई। पोस्टीरियर कॉर्ड जो है उसमें थोड़ा सा लोअर ट्रंक का जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शुरू में जा रहा है, यहाँ इंजरी हुई तो पोस्टीरियर कॉर्ड वैसे ही बच जाएगी। प्लस अगर ऊपर भी इंजरी होती है, देन पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर इज हैविंग द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अपर एंड मिडिल ट्रंक आल्सो, सो इफ द ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड गेट स्पेयर्ड, बट इफ द लोअर ट्रंक इज इंजर्ड देन दिस एरिया इज इफेक्टेड। अब ये जो मीडियल पेक्टोरल है, ये मीडियल पेक्टोरल जिन मसल्स को सप्लाई करती है, दे आर आल्सो सप्लाइड बाय द लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है? सो द लैटरल पेक्टोरल से जब उनकी सप्लाई जा रही है तो इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा, बट दिस इज द अल्नर नर्व,
अल्नर नर्व जो है वो बेसिकली इफेक्ट होगी, और वो जो हमने कहा था अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स दे आर इफेक्टेड। ओके अच्छा, अब हम अगला पेज निकालेंगे, इस पेज को हम बंद कर देते हैं। ओके क्या हो रहा है, अगला पेज निकालते हैं। ओके अब हम निकाल रहे हैं जॉइंट्स ऑफ हैंड्स। जॉइंट्स ऑफ हैंड्स ठीक है, ये देखो, दीज आर द जॉइंट्स। अब देखो ये तो कार्पल बोन्स हैं, राइट, एंड दीज आर मेटाकार्पल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स, दीज आर फेलेंजेस, फलांजेस बोलते हैं। अगर तुम लोगों ने फ्रेंड्स टीवी शो देखा है उसमें फीबी ने अपना नाम बताया था रेजिना फलांज, उससे तुम लोग फलांज याद कर लो। दिस इज प्रॉक्सिमल फैलिंग्स एंड दिस इज द डिस्टल फैलिंग्स, proximal middle and distal phalanx, proximal middle and distal phalanx, proximal middle and distal phalanx, proximal middle and distal phalanx. Okay, now this joint between metacarpal and the proximal phalanx, this and this is metacarpophalangeal joints. Kaun sa joint hota hai, metacarpophalangeal joint, and this is proximal interphalangeal joint, this is distal interphalangeal joint. Okay, अल्ना जब जाएगी तो एक तो इधर का रिस्ट पे थोड़ा सा मूवमेंट फ्लेक्शन का इफेक्ट होगा, ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स बुरी तरह से इफेक्ट होंगे, डिस्टल मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो है ये भी बुरी तरह से इफेक्ट होगा। ओके सो आई थिंक बहुत टाइम हो गया, आप तुम लोग थक भी गए होगे, सो 10 मिनट्स का आप लोग रेस्ट कीजिए, वी विल मीट अगेन एट 3 to 4। ओके जितना पढ़ाया है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या याद करना है घर पे जाके, स्टर्नल एंगल ये आप लोग याद कर लीजिए। ओके और ब्रैकियल लेग्स ये थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिए, और क्लम्पियस पैरालिसिस समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, जब हम क्लास में पढ़ाएंगे पीपीटी से पढ़ाएंगे तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। कल ट्यूसडे को मैं प्रॉपर पीपीटी लेके आऊंगी होपफुली, क्योंकि तुम लोगों को अगर पीपीटी से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है आई कैन टीच वाया पीपीटी। ओके दैट्स ऑल, सो दैट्स स्टॉप वीडियो, लीव मीटिंग।